हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आ चुकी हूँ मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन लेके, आपके स्किन केयर के लिए बहुत अच्छे अच्छे फेस पैक लेके आई हूँ। आज मैं आप लोग के साथ में बस यही शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं, अगर आप मेरी जैसी स्किन और पाना चाहते हो, एकदम से ग्लोइंग स्किन, ब्राइट स्किन और क्लियर स्किन पाना चाहते हो, तो बस आपको क्या करना क्या है मैं बताती हूँ। इस फेस पैक को यूज़ करना है तो यहाँ पर ना मैंने चावल का आटा लिया है और थोड़ा सा रोज़ वाटर और दही को मैंने ऐड किया है। साथ में मिक्स करके इस तरीके से हम अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि जल्दी जल्दी लग जाए और आप लोगों को कम समय लगे देखने में। तो चलो अब इसके फ़ायदे मैं बताती हूँ। राइस जो फ्लोर होता है ना, वो हमारे स्किन में बहुत अच्छे से काम करता है, साथ ही रोज़ वाटर भी और दही भी। तो इन तीनों के ना अलग अलग अपने फ़ायदे हैं। दही में ना विटामिन डी पाया जाता है जो हमारे फेस को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करता है और बहुत सारी झुर्रियाँ, दाग धब्बे से दूर होने के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसे हम अपने फेस पैक पे यूज़ कर सकते हैं। साथ में राइस फ्लोर का ना क्या काम होता है, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे ना आप एकदम क्लियर स्किन पाना चाहते हो ना, तो उसे आप यूज़ करोगे ना तो आपकी स्किन जो है भीतर से एकदम डीप क्लीनिंग होगी, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और रोज़ वाटर का तो अलग ही काम है यार, मतलब क्या ही बताऊँ, आप सभी जानते होंगे इनके बेनिफिट्स वगैरह। तो चलो अब सेकेंड स्टेप पर आते हैं। तो यहाँ पे दूसरा फेस पैक का अब मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने बेसन लिया है और साथ में थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है। और स्पेशली मैंने क्या ऐड किया है, चलो ये मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे ना जो मिल्क होता है ना, तो मिल्क को हम उबालते हैं ना, तो उस पर जो छाली आ जाती है ना, हम छाली बोलते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया। चाहो तो कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर ना वो छाली जो है ना उसे यूज़ किया है। तो ये इसका एक अलग ही अपना बेनिफिट है। तो यहाँ पर बेसन, सभी को जैसे पता है कि बेसन हमारे फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, हल्दी भी और दही वगैरह भी, सब कुछ मतलब जो भी मैं बता रही हूँ बहुत फ़ायदेमंद ही बता रही हूँ। इससे आपको कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होगा जैसा मैं बता रही हूँ। तो आप इसे डेली यूज़ में भी, मतलब अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसन के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं यार, हमारे फेस को बहुत निखार देता है, बहुत ग्लो बनाता है, साथ ही बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें अपनी जो फेस है वो रौनकी पैदा करती है, ऐसा है। और यहाँ पे हल्दी का भी काम हमारे फेस को बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम से भी बचाती है, साथ में निखार देने में काम करती है। और दूध की जो छाली होती है उसको भी मतलब हम अपने फेस पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो उसके अलग ही बेनिफिट्स होते हैं। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। तो फिर मैंने यहाँ पे ना फेस पैक बना के ना अपने फेस पे अप्लाई कर लिया था। देन यहाँ पे ना 10 मिनट वेट करने के बाद में मेरा फेस ऐसे ना ड्राई हो गया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आप लोगों को निकाल के दिखा दिया और उसके बाद देखो फिर मैंने अपना यहाँ पर फेस को धो लिया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपना फेस धो लिया है तो कितना यहाँ पर ग्लो कर रहा है मेरा फेस। वैसे धूप भी है, अगर मैं धूप पे आऊँगी तो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, बट मैं थोड़ी सी सन से हटके थोड़ी वीडियो बना रही थी इसीलिए। तो चलो अब मैं चलती हूँ तीसरे फेस पैक की ओर पे। ये तो अमेजिंग है यार, यहाँ पे भी मैंने राइस फ्लोर का यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने ऐड किया है हनी, जो हमारे फेस को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग बनाता है, और दही साथ में ऐड किया है। तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।